Amid scenes of unforgettable splendor, Jenny celebrated the first anniversary of the Indian Republic. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है दैट वी ऑल आर मेकिंग अ सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो इन कंटिन्यूएशन विद द सेम, CBSE के द्वारा एक ई एग्जीबिशन जिसका विषय है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इसकी कुछ मीडिया जो यूनिट्स हैं उन पर CBSE ने पोस्ट किया है। एंड द लिंक ऑफ द एग्जीबिशन हैज ऑल्सो बीन गिवन इन दिस सर्कुलर। यहाँ पर जो आप लिंक देख रहे हैं davp.nic.in/constitutionofindia/index.html, इस लिंक पे आप क्लिक करके और इस ई एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको अटेंड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और इस ई एग्जीबिशन को मीनिंगफुल और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए इस ई एग्जीबिशन में कई सारे ऐसे रेयर यानी दुर्लभ पिक्चर्स या वीडियो जो रियल टाइम वीडियोस हैं उनको यहाँ पर एम्बेड किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और जो शायद आपने पहले कभी ऐसी पिक्चर्स या वीडियो जो रियल वीडियोस हैं वो आपने शायद ना देखी हों। सो इन्हीं पिक्चर्स, रेयर पिक्चर्स और वीडियोस को इसमें सम्मिलित करके इसमें बहुत ही ईजी तरीके से ये बताया गया है कि जो भारत का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बना कैसे है। मीन्स द कम्प्लीट जर्नी ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So all concepts can be made clear to the students, teachers and even everyone in a single go through. और एक भारतीय नागरिक होने के हिसाब से और एक भारतीय नागरिक होने के नाते से हमारे को इन चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी ई एग्जीबिशन का एक पार्ट है ऑनलाइन क्विज, दैट इज गिवन ऑन द सेकेंड लास्ट पेज, दैट पेज नंबर 25। इन दिस क्विज यू विल बी आस्क्ड 10 MCQs टू आंसर। और इन क्वेश्चंस का आंसर भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इन क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स हैं वो आपको इसी ई एग्जीबिशन का जो कंटेंट है इसी में आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी स्लाइड एंड यू कैन वॉच इट वेरी केयरफुली इफ यू वांट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो इन द सेम कंसर्न, CBSE इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू ऑल द स्कूल हेड्स टू स्प्रेड दिस नॉलेज अमंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जिससे कि ये हमारी कंपेन जो है, जो ये हमारे मुहिम है, जो एक हिस्सा है आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का, उसको हम मजबूती प्रदान कर सकें, विस्तार प्रदान कर सकें और इस कंपेन को रुकने ना दें। नाउ द थिंग इज हाउ टू डू। सो सिर्फ आपको इस लिंक को क्लिक करना है जो सर्कुलर में दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे लिंक क्लिकेबल होना चाहिए। अगर क्लिक नहीं हो रहा है, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे देन इट विल नॉट बी क्लिक। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे रखा है, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली ई एग्जीबिशन को अटेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल बी डाइवर्टेड टू ई एग्जीबिशन एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न, दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, पीपल सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे एट रेड फोर्ट, यू कैन सी ब्यूटिफुल पिक्चर, द रेयर पिक्चर यू कैन सी, ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बी आर अम्बेडकर एज इट्स चेयरमैन, द रियल टाइम पिक्चर्स आर देयर, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 November 1949। नाउ द नेक्स्ट वन इज 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट राजपथ न्यू डेली, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and the last one is the online quiz. You can attempt this online quiz also. As you will attend the online quiz, the same moment you will get कि आपने जो answer click किया है वो सही है या गलत है. So you can find yourself कि आपके कितने answers सही हैं और कितने answers गलत हैं. So thank you very much for watching this video. अगर आपको ये video पसंद आया तो please like, share and subscribe. Thank you very much again. Have a great day.